स्टार्ट करते हैं। इतने ये जो ऑपरेशंस हैं ये डिफ़िकल्ट नहीं है, पर ये क्या लेंदी हैं, क्योंकि सेम नंबर ऑफ स्टेप्स बार बार रिपीट होते हैं। आप देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स डिक्लेयर किया मैट वन, मैं इसको 3x3 के लिए ले रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। उसी तरह से मैट टू, इसको भी मैं 3x3 का ले रहा हूँ। सम, जिसमें मैं इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन स्टोर करूंगा, और सब इसमें मैं इसका सब्ट्रैक्शन स्टोर करूंगा। आई थिंक हेलो हाँ सर, हाफ स्क्रीन ग्रीन आ रही है। ओके मैं ग्रीन कलर की स्क्रीन आ रही है। ओके 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 ठीक है, मैं एक बार इसको स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ और फिर आप सबके साथ फिर से रीशेयर कर रहा हूँ। अब बताना अब साफ है ना स्क्रीन, सबको विजिबल है ना? रेज योर हैंड्स अगर आपको स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है। ओके ठीक है, और मेरी आवाज भी सबको प्रॉपरली सुनाई दे रही होगी, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया है, वेरिएबल्स क्रिएट की है। मैट वन मेरी पहली मैट्रिक्स है, मैट टू मेरी दूसरी मैट्रिक्स है। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने 3x3 की मैट्रिक्स ही ली है। ओके और सम मेरी वो मैट्रिक्स है जिसमें मैं इन दोनों का एडिशन स्टोर करूंगा, और सब मेरी एक और मैट्रिक्स है जिसमें मैं सब्ट्रैक्शन को स्टोर करूंगा। सबको स्क्रीन विजिबल है ना? मैं फिर पूछ रहा हूँ, रेज योर हैंड्स अगर सबको स्क्रीन विजिबल है। ओके ठीक है, मैंने सबके हैंड्स लोअर कर दिए। ओके ठीक है, आप डोंट रेज योर हैंड्स। ओके अब मैं सबसे नेक्स्ट स्टेप होगा, मुझे इसे इनपुट करवाना है। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर मुझे इनपुट करना है तो मुझे एक नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा। नेस्टेड लूप के लिए मैंने दो वेरिएबल्स दिए हैं, रो और कॉलम, आर और सी। ठीक है, फॉर रो 0, आर लेस देन 3 और आर प्लस प्लस, कॉलम 0, कॉलम लेस देन 3 और कॉलम प्लस प्लस। ठीक है, एंड देन आई वॉन्ट टू इनपुट द मैट्रिक्स, तो मैंने यहाँ पे स्कैन एफ लगा दिया और इन्वर्टेड कॉमर्स में %d, address ऑफ मैट वन, और स्क्वायर बॉक्सेस पहला वाला रो रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाला कॉलम। ये देखो मेरी मैट्रिक्स फर्स्ट इनपुट हो गई है। अब मुझे मैट्रिक्स टू इनपुट करवानी है, तो मैं इसको वापस कॉपी करूंगा, पेस्ट। आप देखो मैं जानबूझकर इसे, मैं चाहूं तो यहाँ पे यहीं पे एक और स्कैन एफ भी लिख सकता हूँ, पर इससे क्या कन्फ्यूजन बढ़ेगा, क्योंकि आप एक एलिमेंट मैट्रिक्स वन का लोगे, दूसरा एलिमेंट मैट्रिक्स टू का लोगे, ऐसा कंफ्यूज करता है। ज़्यादा बेटर ये है ना कि मैं पहले पूरी मैट्रिक्स वन इनपुट ले लूँ, फिर सेकंड केस में पहले फिर मैट्रिक्स टू इनपुट ले लूँ। तो यहाँ मैंने ऐसे ही किया, इस तरह से मेरे पास दोनों मैट्रिक्स आ गए। अब मुझे कोई भी ऑपरेशन या मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, तो वो मैं नेस्टेड लूप के अंदर ही करूँगा। ठीक है, और नेस्टेड लूप के अंदर के लिए मुझे फिर से वापस नेस्टेड लूप बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर, अब मुझे सम करना है, तो सम इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट सम आर सी इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगा, इसके लिए अपन को थोड़ा सा लॉजिक बता, आप ही को मुझे बताना पड़ेगा लॉजिक क्या है। अगर मेरे पास एक सिंपल सी मैट्रिक्स है, लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, मुझे इनमें एलिमेंट्स ऐड करने हैं 7, 8, 9, 1, 2, 3। अगर मुझे ऐड करना है इनको, तो मैं किस पैटर्न में या किस तरीके से ऐड करता हूँ, आपको ये पता है, आपने मैथ्स पढ़ी है। ये जो वन है, मैं इसको टोटल करूंगा इस सेवन से, ठीक है, और जो ये जो इन दोनों को जब मैं टोटल करूंगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा 8, और ये मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट होगा। इसका जो इंडेक्स होगा वही इंडेक्स इसका होगा, और वही इंडेक्स इसका होगा। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2,
उसी तरह से मेरे पास बी मैट्रिक्स है जिसके इंडेक्स ये सब हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे ले आता हूँ, तो आप मुझे बताएं अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है सी, तो उसका एलिमेंट क्या होगा, जो एलिमेंट है जो मैंने आपको समझाया अभी उसके अकॉर्डिंगली। रेज योर हैंड्स एंड टेल मी कि फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा। काइंडली वो भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें जो जवाब नहीं दे रहे हैं अभी तक। मेरे पास अच्छे स्टूडेंट्स तो प्रॉपरली हमेशा टाइम टू टाइम जवाब देते हैं। हाँ कुंदन, आप बताओ। पहला तो फर्स्ट एलिमेंट जीरो आएगा, इंडेक्स इंडेक्स बताओ मुझे सी जीरो जीरो जो है वो क्या होगा। जीरो। हाँ जीरो। सी जीरो जीरो है वो, इसमें मैं सम्स। हाँ ए और बी वो मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी है या फिर उसका इंडेक्सिंग है। इंडेक्स बताओ, इंडेक्स बताओ, इंडेक्स बताओ। ये रहा, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना इसके हिसाब से आंसर बताओ, दिस वन, क्योंकि मुझे इक्वेशन बनानी है। जीरो जीरो, ठीक है। सी जीरो जीरो होगा ए जीरो जीरो प्लस बी जीरो जीरो, है ना, यही होगा ना। ठीक है, ठीक है। और कोई दूसरा, जैसे मान लो मुझे सी जीरो वन चाहिए तो वो क्या होगा। तो सर उसकी जगह जीरो वन लिख देना बस। उनकी जगह जीरो वन मुझे लिख देना है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। तो आप देखिए सी जीरो वन क्या होगा, ए जीरो वन प्लस बी जीरो वन, है ना। अब अगर मान लो कि मेरे पास सम की बात करूं मैं, सी आर, एक सम आर सी, ये किसके बराबर होगा, मेरी पहली मैट्रिक्स की रो कॉलम वैल्यू विथ दूसरी मैट्रिक्स की रो कॉलम वैल्यू, मतलब कि मैट वन प्लस मैट टू। यहां पे आर की वैल्यू जो होगी एज पर अवर एबीसी इक्वेशन, आर की जो वैल्यू यहां होगी वही आर की वैल्यू यहां होगी, और यहां पे जो सी की वैल्यू होगी वही यहां पे सी की वैल्यू होगी, सेम यहां पे होगा। तो मेरी इक्वेशन बन गई, मुझे इक्वेशन ही तो बनानी थी। तो सम आर सी यहां पे किसके बराबर होगा, मैट वन आर सी प्लस मैट टू आर सी, ठीक है। इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब यह है कि वट एवर वैल्यू यहां पे जो आर की होगी वही सेम वैल्यू मैट वन में आर की होगी और वही सेम वैल्यू मैट टू में आर की होगी। सम में जो वैल्यू यहां पे सी की है वही सेम वैल्यू मैट वन में सी की रहेगी और वही सेम वैल्यू मैट सी टू में सी की रहेगी। और मेरी मैट्रिक्स एडिशन में यही तो होता है। देखो सी जीरो जीरो क्या है, ए जीरो जीरो, ए जीरो जीरो और बी जीरो जीरो, यही तो होता है। अगर सी जीरो वन है तो ए जीरो वन रहेगा और बी भी जीरो वन ही रहेगा। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन और मेरा रिजल्ट किसमें स्टोर हो गया, सम के अंदर। अब मैं इस रिजल्ट को प्रिंट करा सकता हूं, फिर इस चीज को देखो मैं कॉपी करूंगा अपने ऊपर वाले लूप को और रिजल्ट को प्रिंट करवा दूंगा। स्कैन एफ की जगह मैं लिख दूंगा प्रिंट एफ स्लैश टी। रिजल्ट मेरा किसमें है, सम के अंदर, तो सम आर सी, और उसको मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट कराने के लिए मैं लूप के अंदर रो वाले कॉलम के अंदर बैक स्लैश एन पुट कर दूंगा और आ गया मेरा रिजल्ट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पूछ रहा है मुझसे, थोड़ा और क्लैरिटी ले आता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन सी मैट्रिक्स में मैं वैल्यू डाल रहा हूँ। प्रिंट एफ एंटर मैट्रिक्स वन, ठीक है। लेट मी जस्ट एंड दिस एंड मैं फिर से रन करता हूँ मैट्रिक्स वन, वन टू थ्री। मैट्रिक्स टू में मैं फिर से वन, ये देखो मेरा रिजल्ट आ गया। मैं कंपेयर कर सकता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट वन है मैट्रिक्स वन का, सेकंड एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स टू का भी वन है, तो वन प्लस वन टू,
ये आ गया मेरा, मतलब रिजल्ट सही आ रहा है। लास्ट एलिमेंट मैट्रिक्स वन का 9 है, मैट्रिक्स टू का 9 है, रिजल्ट होगा 9 + 9 = 18। तो इस तरह से अपन मैट्रिक्स एडिशन कर सकते हैं, है ना। आप नोट करो कि यहाँ पे जो स्टेप्स हैं वो रिपीट कितनी बार हो रहे हैं। देखो ये स्टेप रिपीट हो रहा है यहाँ, अगेन रिपीट हो रहा है अदर देन द इक्वेशन यहाँ, और फिर से रिपीट हो रहा है। तो आप आइडिया इससे लगा सकते हो कि ये प्रोग्राम लेंदी है पर डिफिकल्ट नहीं है। इसीलिए ये प्रोग्राम अगर एग्जाम में आते हैं तो अच्छे मार्क्स के आते हैं, मतलब आप मान लीजिए 8 से लेकर 12 मार्क्स तक के ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। खास तौर पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी में, जो अल्टरनेट ईयर्स या कई बार उसकी एल्गोरिथम वगैरह पूछ लेते हैं, ठीक है। कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। जैसे हाँ अभय, कुछ पूछना है सर? इसके अंदर अगर अपन सब्ट्रैक्शन का करना हो तो एल्स लगाएंगे? नहीं नहीं, अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो मैंने उसके लिए एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है सब, हाँ है ना, उसमें मैं माइनस कर दूंगा इसी वाले के अंदर, इसी में, जैसे कि इसमें अपन ने सम किया उसके साथ में अपन एल्स लगा के कर रहे। तो नहीं नहीं, एल्स लगाने की भी क्या जरूरत है? अगर मुझे सम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों चाहिए तो ये देखो यहाँ पे मैं सम की जगह, सम आर सी की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ सब आर सी, और प्लस की जगह लिख देता हूँ माइनस, हो गया सब्ट्रैक्शन माइनस भी हो गया, पर मुझे प्रिंट कराने के लिए फिर से ये लूप रिपीट करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। सब आर सी, और ये रहा मेरा रिजल्ट, ठीक है। ऊपर मेरा सारे सम है और नीचे वाली मैट्रिक्स मेरा सब्ट्रैक्शन, ओके। तो उम्मीद है आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आया होगा। अब अपन मूव करते हैं थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट मल्टीप्लिकेशन की तरफ। आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन इज नॉट दैट इजी। जैसे अपन ने यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी सम आर सी, वो क्या था अपना मैट वन आर सी प्लस मैट टू आर सी, ये मेरी सम की इक्वेशन थी। सब्ट्रैक्शन की इक्वेशन भी ऐसी है, पर मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, और उसी चीज की मुझे इक्वेशन बनानी है। वो कैसे बनेगी? इसके लिए मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। हाँ चिराग, कुछ पूछना है? नहीं सर, कैसे मतलब करेंगे आप पूछ रहे थे, मुझे लगा तो। हाँ नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो पूछूंगा मैं भी थोड़ी देर में, आप लोगों से भी पूछूंगा। ओके, तो अपन ये मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, हाउ टू एक्सप्रेस दिस मल्टीप्लिकेशन, वो तो आपको आता है, पर हाउ डू वी एक्सप्रेस दिस मल्टीप्लिकेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन बनानी है मुझे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ी बहुत अपन मैथमेटिक्स की बुक को देखना पड़ेगा। आप मैथमेटिक्स की बुक को नोट करना, उसमें आपको इक्वेशन, आपको याद होगा समेशन की इक्वेशन है, उसमें आपको एक्सप्लेन कर रखा है। अपन उसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। लेट मी जस्ट स्विच टुवर्ड्स अनदर स्लाइड, यहाँ पे मैंने सेव कर रखी है। देखो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और दूसरी मैट्रिक्स है बी। आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अगर ये C11 मुझे कैलकुलेट करना है जो कि प्रोडक्ट है ए और बी का, तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट रो मैट्रिक्स वन की कंसिडर करता हूँ और फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स टू का कंसिडर करता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ, C11 क्या होगा, A11 इंटू B11 है ना, प्लस A12 इंटू B21, ठीक है, प्लस A13 इंटू B31। काइंडली नोट करो हर एक एलिमेंट के बीच में लिंक। इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूं मैं आपको, इसलिए ध्यान से देखना। C1 है, R की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 1 है, यहां तक तो सब ठीक चल रहा है, पर यहां पे देखो गड़बड़ हो रहा है ना। इसीलिए CRC equals to ARC into BRC पॉसिबल नहीं है। साथ साथ आप देखो कि इसमें एक एडिशन ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहा है,
इसलिए जो इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले अपन अज्यूम कर रहे थे वो गलत है। दूसरी चीज नोट करो कि यहाँ पे एक्चुअली 1-1 है, इसलिए अपन को यहाँ पे आइडिया नहीं हो रहा है इसकी कॉलम की वैल्यू इसकी रो की वैल्यू से मैच कर रही है। आप नोट करो, है ना, और क्विकली देखो कैसे मूव कर रही है। ये देखो 1 है इसकी कॉलम की वैल्यू, ये 1 है, फिर ये 2 हो गई, फिर ये 3 हो गई। तो ऑब्वियसली R यहां पे 1 है, C यहां पे 1 है, तो ये वैल्यू कौन सी है? आप ये वैल्यू नोट करो, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। मतलब इन वैल्यूज को तो मैं R और C से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, पर ये 1, ये 2, ये 3, इसके लिए मुझे एक और वेरिएबल चाहिए जो कि मैं यूज करूंगा K। ठीक है, ये स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया? अगर कोई डाउट है इस स्टेप में तो हैंड रेस करो ताकि मैं आपको फिर से समझा सकूं। ठीक है, ओके, हाँ मोहित कुछ पूछना है? सर एक बार इसको रिपीट कर दो प्लीज। हाँ एक बार, चलो एक बार फिर से देख लो, एक बार मैं इसको पूरा क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपरली समझा सकूं। देखो मेरे पास यहाँ पे C11 है, मल्टीप्लाई करने पे मुझे करना पड़ेगा A11 इंटू B11 प्लस फिर A12 A की रो और B का कॉलम इंटू B21, है ना, प्लस A13 इंटू B31, और भी आगे चलना हो मुझे तो A14 इंटू B41, है ना। अपन इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मैं एक सिंगल स्टेप को इलैबोरेट कर रहा हूं आपको। तो देखो ये मेरी वैल्यू है R की, ये मेरी वैल्यू है C की। आप नोट करो A11 B11 तो छोड़ दो, पर A12 B21 A13 B31 A14 यहां पे R और C की वैल्यू तो है ही नहीं। पर आप एक चीज नोट करो कि ये वैल्यू A का कॉलम B की रो से मैच कर रहा है। सेम देखो 4, और उसी तरह से ऑब्वियसली ये भी मैच ही करेगा, 1-1 है इसलिए अपन थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, बट ये भी मैच ही कर रहा है। तो इस वैल्यू को, ये जो वैल्यूज हैं, इनकी वैल्यूज को, सिंस ये मेरे R और C पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसके लिए मैं एक नया वेरिएबल यूज करूंगा। उस वेरिएबल का नाम होगा K। आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने R और C लिया वैसे एक और K और ले लिया मैंने, तो ये हो गया K। तो K की वैल्यू देखो, जब 1 है तो 1, 2, 3, 4 K काउंटिंग चल रही है, ठीक है ना। इस चीज, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, इस चीज को याद रखिएगा, है ना, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। हाँ नवप्रीत सर, फर्स्ट मैट्रिक्स में तो जे की वैल्यू चेंज हो रही है, और सेकंड मैट्रिक्स में आई की वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो फिर हम जैसे के रखेंगे, तो जब हम आई जे रखते हैं मैट्रिक्स में, जब हम सम करवाते हैं उनको, अभी तो सम वहाँ पे एक सम, अभी मैं सम पे आया ही नहीं हूँ। पहले अपन को ये डिटरमाइन करना है, आप मुझे ये बताओ कि ये जो वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4 जो है, ये वैल्यूज कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है जब आई और जे की वैल्यू 1 और 1 है? ये वैल्यूज कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? पहले मैं सिर्फ इसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। मैं मतलब इस तरीके से सोच रहा हूँ कि अगर आई उसे फर्स्ट मैट्रिक्स में जे की वैल्यू चेंज हो रही है और सेकंड मैट्रिक्स में आई की वैल्यू चेंज हो रही है, तो जब हम के वेरिएबल लेंगे तो वो दोनों मैट्रिक्स फर्स्ट में तो K को डालेंगे जे की जगह, और सेकंड वाले में डालेंगे आई की जगह K को, क्योंकि K तो चेंज होता रहेगा। K चेंज होता रहेगा, बिल्कुल सही। तो इसी चेंजिंग वैल्यू को ट्रैक करने के लिए मैंने इसको सेपरेटली रखा है। आप जो कह रहे हो वो वहां पे जो K है वो आई और जे या आर और सी पे डिपेंडेंट है। इस इक्वेशन पे आर और सी 1-1 है, और कोई भी लिंक मुझे नहीं दिख रहा है जिसपे कोई थर्ड वैल्यू के इन दोनों पे डिपेंडेंट है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो इसीलिए सिंपलिसिटी के लिए मैंने एक नया वेरिएबल ले लिया है के, जिसको मैं 1 से स्टार्ट करूंगा और हर इक्वेशन में इसको इंक्रीमेंट करता जाऊंगा। फिलहाल मैं सिर्फ यही कह रहा हूं।
एक बार इस पे फोकस करो, ठीक है, फिर अपन इसको डिस्कस और करते हैं, ओके? तो ओके, तो अब देखो मेरे पास ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, आप लोगों को याद है मैंने आपको एक रामबाण या ब्रह्मास्त्र वाली इक्वेशन सिखाई थी, वो थी सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। अगर मुझे फर्स्ट एन नंबर्स को ऐड करना है तो उसकी इक्वेशन यही होती है, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, है ना। पर मान लो ये आई इंडिविजुअल नंबर नहीं है, ये किसकी इक्वेशन है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 इसकी इक्वेशन है ना ये। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 क्या है, आई ही तो है, ये आई ही तो है। मान लो ये आई सिंगल इंडिविजुअल नंबर नहीं है, ये दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, जैसे कि 1 × 1 + 2 × 1 + 3 × 1 + जो भी कुछ भी, मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूं, 2 × 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आई अपने आप में एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, यहां पे भी तो यही हो रहा है। देखो ये मेरा आई है फर्स्ट टाइम, ये मेरा अपडेटेड आई है, फिर और अपडेट हो रहा है, फिर और अपडेट हो रहा है। तो एक्चुअली में आई इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद सबको ऐड भी तो कर रहा हूं, और मैं ऐड कैसे करता हूं, एक एक करके ऐड करता हूं ना, मैं एक एक करके ऐड करता हूं, मतलब मैं पहले इसको ऐड करूंगा इसमें, फिर इसको मैंने टी में स्टोर करा दिया, फिर इस टी में मैं इसको जोड़ दूंगा, तो ये हो गया T1, फिर इस T1 में मैं इसको जोड़ करूंगा, ये हो जाएगा T2। तो सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, वेयर आई इज दिस इक्वेशन, है ना। तो ये मेरा सेकेंड स्टेप है। तो अब देखो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा स्टार्ट करता हूं, और मैं वही लिख रहा हूं जो मैंने आपको अभी बताया है। सिर्फ इस सेंटर वाली लाइन पे ध्यान दो, मैं रिजल्ट अपना सम के अंदर ही स्टोर कर रहा हूं। सम आर सी इक्वल्स टू क्या, सम आर सी प्लस आई, ठीक है, है ना। यही इक्वेशन मैंने आपको बताई है, और यही इक्वेशन मैं आपसे, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, बस अपन रिजल्ट अपने मैट्रिक्स में स्टोर कर रहे हैं, इसलिए सम आर सी इक्वल्स टू सम आर सी प्लस आई। अब मैं इस आई को रिप्लेस करूंगा मेरी मल्टीप्लीकेशन वाली इक्वेशन से। अब वो मल्टीप्लीकेशन वाली इक्वेशन कैसे आएगी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि मैं एक थर्ड वेरिएबल ले रहा हूं के, जो कि इंक्रीमेंट हो रहा है, जो आर और सी से टोटली इंडिपेंडेंट है। तो यहां मैं थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं, इंट के, ठीक है। अब याद रखो इंडेक्सिंग अपनी जीरो, और ये सेपरेट लूप है, तो मैंने यहां पे एक और लूप ऐड कर लिया इसी के अंदर, फॉर के इक्वल टू जीरो, के लेस देन 3, के प्लस प्लस, ठीक है। वहां मैं 4 तक लेके गया था के को, क्योंकि मैंने चार एलिमेंट्स 4 × 4 की मैट्रिक्स ली थी, 3 × 3 की मैट्रिक्स लिया, इसलिए मैंने के को 3 तक ही चलाया। ये मेरा थर्ड वेरिएबल हो गया के, जो कि मेरे इंटरमीडिएट जो इंडेक्स है उनको ट्रैक कर रहा है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि सम को हर रो के बाद मुझे चेंज करना है, अपन सम को 0 सेट करते हैं, तो मैं यहाँ पे सम आर सी को 0 सेट कर रहा हूँ, ठीक है। सम आर सी को मैं 0 सेट कर रहा हूँ। उम्मीद है अब मैंने आपको जितना बताया है उतना समझ में आ गया होगा, अपने पास थोड़ा टाइम कम है इसलिए मैं हल्का सा और स्पीड अप कर रहा हूँ। सम आर सी इक्वल्स टू सम आर सी प्लस आई, अब मुझे इस आई को एक्सप्रेस करना है। ये आई क्या है, इट इज ए मल्टीप्लीकेशन बिटवीन टू मैट्रिसेस, मैट 1 × मैट 2, ठीक है, मैट 1 × मैट 2। अब इनकी वैल्यू क्या है, मुझे इनकी जैसे ही वैल्यू मिल जाएगी ना, मेरा काम हो गया। तो देखो ये वैल्यू मुझे यहां से मिलेगी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक इक्वेशन बनाई थी, क्या बनाई थी, C00 क्या था, C11, इससे जल्दी समझ में आता है, A11 × B11 प्लस A12 × B21, 3 × 3 की मैट्रिक्स है, अगर A13 × B
3-1 है ना। आपको पता है कि ये वाली वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू क्या है, के है ना, ये के ही तो है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। मतलब कि मेरी इक्वेशन है सी आर सी इक्वल्स टू, इसको मैं एम कर देता हूं एक्चुअली, क्योंकि वेरिएबल कंफ्यूज हो जाएंगे अपन। ए आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट मुझे ये पता है कि ये के है, इनटू मुझे आई डोंट नो, ये नहीं पता मुझे, पर मुझे ये पता है ये क्या है, के है ना, मुझे ये पता चल गया। और ये मैट्रिक्स कौन सी है, बी, ये मुझे पता चल गया। अब ये वैल्यू क्या है, अब ये वैल्यू वही तो है जो मेरी यहाँ पे ये वाली वैल्यूज है, दिस वन, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यही इक्वेशन देखो यहाँ मैथमेटिकली भी शो कर रखा है, समेशन ऑफ ए आई के इंटू बी के जे, देखो ये इक्वेशन यही, तो मतलब कि दिस वैल्यू इज आर, अरे दिस वैल्यू इज आर, वेयर एज दिस वैल्यू इज जे। क्या एक्यूरेसी है देखो आपके सर की, अक्से के ऊपर जे, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को मैं अब यहां लिख देता हूं, सम आर सी इक्वल्स टू आर के के सी, और आपका मल्टीप्लीकेशन हो गया। यही इक्वेशन यहां दे रखी है, देखो मैथमेटिकली समिशन ऑफ ए आई के इंटू बी के जे, यहाँ पे आई और जे मेरी रो और कॉलम है जो कि मैंने आर और सी से रिप्रेजेंट की हैं, और ये मेरी इक्वेशन रेडी, ठीक है। अब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपका रिजल्ट बिल्कुल सही आएगा मल्टीप्लीकेशन का। चलो रन करके देखते हैं। अब 3x3 की मैट्रिक्स है, 4 1 2 3, ये मेरा मल्टीप्लिकेशन आ गया और ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये सही है। तो आपको उम्मीद है आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी, यही इक्वेशन मायने रखती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सो काइंडली बी रेडी फॉर सच प्रोग्राम। और आप देख सकते हो कि एक सिंगल इक्वेशन ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, समझ में आ गया ना सबको? इस इक्वेशन को एक बार खुद इम्प्लीमेंट करना सीखना। मुझे नहीं लगता कि शायद आपने इतनी डिटेल में इस इक्वेशन को अभी इलैबोरेट किया होगा, और प्रोग्रामिंग में अपन को इसी तरह से इम्प्लीमेंट करना होता है। ओके सो